शहडोल प्रवास पर पहुंची अध्यक्ष, महिला वित्त एवं विकास निगम की पहली बार घर वापसी में किया गया गर्मजोशी से स्वागत। शहडोल जिले के रहने वाली अमिता चपरा मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने घर वापसी के दौरान गाजे बाजे व फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। शहडोल प्रवास पर आई अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से मुलाकात की। अध्यक्ष महिला वित्त एवं विकास निगम ने दो दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी भेंट की। जिले की बहुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर देवी का दर्शन कर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर पत्रकारों से रूबरू भी होंगी। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद से नवाजी गई अमिता चपरा इसके सीएम शिवराज का दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस बात को लेकर खुशी जाहिर की। शहडोल प्रवास पर आई मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष अमिता चपरा पहली बार अपने घर वापसी के दौरान जिले के लोगों ने गाजे बाजे व फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि शहडोल जिले की रहने वाली मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद से नवाजी गई अमिता चपरा, जिन्होंने सीएम शिवराज का दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि शहडोल संभाग का ख्याल रखते हुए उन्हें यह पद देकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वे पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। इस दौरान अध्यक्ष महिला वित्त एवं विकास निगम ने दो दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी भेंट की। शहडोल प्रवास पर आई अध्यक्ष जिले की बहुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर देवी का दर्शन कर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर पत्रकारों से भी रूबरू होंगी। विभाग क्या काम देखेगा और कैसे काम करेगा शहडोल के लिए? क्या काम सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने शहडोल संभाग का ख्याल रखा और विंध्य क्षेत्र से और शहडोल संभाग से मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगी और अपने ये आदिवासी अंचल में स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें उनका जीवन स्तर उठाने में भरसक प्रयास करूंगी। यही मैं आज के दिवस पर कह सकती हूँ।